यह कहानी तिलकपुर गांव का है, जहां पर एक आदमी अपने पढ़ाई पूरी करके अपने घर लौट आता है। अरे बेटा, तू आ गया, कैसा है? अच्छा तो है ना, तेरी पढ़ाई कैसा चला? हाँ पापा, मैं बहुत अच्छा हूँ। वैसे आप कैसे हैं? मेरी पढ़ाई अच्छी हुई। हाँ बेटा, मैं भी अच्छा हूँ। वैसे आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुआ? ऐसे ही वह लोग बातें कर रहा होता है, तभी वहाँ पर उनकी माँ आ जाता है। अरे बेटा, तू आ गया, कैसा है? हाँ माँ, मैं भी अभी अभी आया हूँ। वैसे मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ बेटा। तुझे देखकर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तेरे लिए बहुत दिनों तक इंतजार किया मैंने। अच्छा माँ, मैं आप लोगों से थोड़े बाद बात करता हूँ। मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ और ये बैग भी कहीं रख लेता हूँ। हाँ हाँ जरूर, तू इस रूम में चले जा और अपनी बैग को रख कर फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए चाय बना के लाता हूँ। तभी उन दोनों एक रूम पर आ जाता है। अरे सुनते हो, अमित अब बड़े हो चुके हैं। चलिए हम एक लड़की देखकर उनको शादी करा देते हैं। वैसे भी अब तो हम बूढ़े हो गए हैं। हाँ हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि अपने बेटे के शादी करा देता हूँ। मैं जहाँ पर नौकरी करता हूँ वहाँ एक लड़की है जो अनाथ है, लेकिन उन्होंने अपने पढ़ाई पूरी कर ली और बहुत मेहनत करते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि उनसे ही शादी करा देते हैं। पर वो लड़की तो गरीब होगी, हमें दहेज भी नहीं मिलने वाला। उस अनाथ को आन के हम क्या करेंगे? चलिए काम करते हैं, एक अमीर घर की लड़की से लड़के का शादी करा देते हैं। हमारे लड़के को बहुत सारा दहेज भी मिलेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। अरे ये तुम क्या कह रहे हो, दहेज हम क्यों लेंगे? हम तो अमीर हैं, हमारे पास सब कुछ है। अगर उस अनाथ को आनते हैं तो उनकी भी भला हो जाएगी और हमारे भी अच्छा हो जाएगा। यही सुनकर अमित की माँ को अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ, तुम्हारा मर्जी, तुम जो करो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। और वह यहाँ से नाराज होकर चला जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद उन दोनों की शादी कर देती है। पापा जी सुनिए, सासू माँ अभी भी सो रहा है, क्या आप मुझे बता देंगे नाश्ते में क्या बनाऊं? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? जाओ, तुम्हारे मर्जी, तुम जो बनाओ हम वही पियेंगे। ये सुनते ही वह वहां से चला जाता है चाय बनाने के लिए। अरे सासू माँ, ये लीजिए चाय, पी लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अरे तुझे चाय बनाने के लिए किसने कहा था? तुझे पता नहीं कि हम चाय नहीं पीते, हम तो जूस पीते हैं सुबह सुबह। चल जा, जूस बना के ला, चाय हम नहीं पीते। यही सुनकर वह जूस बनाने के लिए चला जाता है। अजी सुनते हो, शर्मा जी का फोन आया था और वो कह रहे थे उनके बेटे की शादी है, हमें जाने के लिए इनवाइट किया। हाँ हाँ, मेरे पास भी फोन आए थे, हम सब लोगों को जाने के लिए कह रहे थे और बहू को भी ले जाने के लिए कह रहे थे, और हम सभी लोग अब जाएंगे। यही सुनते ही अमित की माँ नाराज हो जाता है और वह पानी लाकर अपनी बहू के दरवाजे पर फेंक देते हैं ताकि उनकी बहू गिर जाए और वह नहीं जा पाए। तभी वह सभी लोग तैयार हो जाता है शादी में जाने के लिए। अरे बहू किधर है? बहू नहीं जाएगी क्या आज शादी में? हाँ माँ, वो नहीं जाएंगे, उनकी तबीयत खराब है और वैसे भी घर में कोई नहीं है, वो घर में रहे यही बेहतर होगा। ये सुनते ही अमित की माँ को बहुत अच्छा लगने लगता है। अरे तुमने बैग नहीं ले क्या? जाओ अपने बैग लेके आओ। अरे हाँ, मैं बैग लेके आता हूँ। तभी वह बैग लेने के लिए जाता है, लेकिन वह भूल जाते हैं वहाँ पर पानी है और वह वहाँ पर गिर जाता है। तभी उनकी बहू दौड़कर आ जाता है और उनको उठाकर अपने सोफे में बैठा लेते हैं।
अरे आपको चोट लग गई है क्या? ये रहे आपके बैग जो आपने भूल गए थे और मैं लेकर आने ही वाला था। वैसे आप ठीक तो है ना, या फिर दर्द हो रहा है? नहीं बहू, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन टांग में बहुत ही दर्द हो रहा है। शायद मैं अब शादी में नहीं जा पाऊंगा। उनको जाके कह दो कि वो लोग चले जाए। तभी वहां पर वह दोनों दौड़कर आ जाता है। अरे माँ, आप गिर गए थे क्या? आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं बेटा, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन टांग में बहुत ही दर्द हो रहा है। मैं अब नहीं जा पाऊंगा। मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, तुम दोनों चले जाओ। यही सुनते ही वह लोग वहाँ से चल जाता है और उनके बहू भी उनकी खातिरदारी करने लगता है। तभी अमित की माँ को अपनी गलती का एहसास होता है। ये लीजिए जूस, आप पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, ऐसा ही कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।